नमस्ते बावकृषि चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा पूरे शरीर में खुजली चलने लगती है या फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आप खुजलते हैं तो आपको लगता है कि पपड़ी सी निकल रही है। तो आज के हम इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय करेंगे जो किसी भी कारण से आपके शरीर पे खुजली चल रही है, रेशेस हो रहे हैं, दाने बन रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो सबके साथ जरूर शेयर करें। सर्दी के मौसम में हवा बहुत तेज चलने लगती है, ठंडा मौसम हो जाता है और हवा के कारण पूरा आपके शरीर पर इस प्रकार से दाने निकल सकते हैं, स्किन पूरी तरह से रूखी हो सकती है, खुजली भी चल सकती है। तो ये हवा बहुत तेज चलने के कारण भी हो सकता है। अगर आपको स्वेटर पहनने के कारण आपको इस प्रकार इचिंग होती है तो उसकी एलर्जी के कारण भी ये संक्रमण आपको हो सकता है। अगर आप ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो भी ये संक्रमण आपको हो सकता है। अगर आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है तो भी आपको ये संक्रमण हो सकता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी आने लगी है तो सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा त्वचा रोग उठते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी होगी तो सबसे पहले आपके शरीर में हल्की हल्की खुजली चलेगी, पूरे शरीर में चलेगी और उसके बाद हल्के हल्के से रेशेज बनने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि पूरे शरीर में खुजली क्यों हो रही है और आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आपको एक्जिमा, दांत या और भी त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में अगर आपको खुजली चलती है तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। बहुत सारे लोगों की त्वचा ऐसी होती है, बिल्कुल पतली स्किन होती है, जिसके कारण मॉइस्चराइजर कम हो जाने के कारण, वातावरण ठंडा होने के कारण स्किन में पूरी तरह से एक तरह के अंदर सेल्स कम काम करते हैं और उसकी वजह से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, यानी कि उनके शरीर में खुजली चलती है। उसके बाद आप देखेंगे तो लाल एरिया हो जाएगा या फिर वो खुजली बढ़ जाएगी। इस प्रकार का बहुत सारा संक्रमण होता है। अब आप देखेंगे कि इस खुजली के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं, अच्छी अच्छी ब्रांड की क्रीम का यूज करते हैं, लेकिन आप चाहे कितनी ही अच्छी ब्रांड को यूज कर ले या फिर अच्छे प्रोडक्ट को देखकर भी आप उसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके शरीर के ऊपर वो पूरी तरह से काम करे। इसीलिए हमेशा त्वचा संबंधी रोगों के लिए आप हमेशा नेचुरल तरीका अपनाएं, जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल सही रहे, उसमें किसी प्रकार का डैमेज ना हो। आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता होगा तो भी आपको त्वचा संबंधी रोग सर्दी के मौसम में ज्यादा हो सकते हैं। ये सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण त्वचा संबंधी रोग होते हैं, सर्दी में खुजली चलने लगती है। अगर आप नेचुरल तरीके से अपने त्वचा संबंधी बीमारियों को ठीक करते हैं तो वह संक्रमण जल्दी से सही होता है, फैलता नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल तरीके बताऊंगी जो आप बिल्कुल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, शरीर की खुजली सही होगी, दाने सही हो जाएंगे, अगर आपका एक्जिमा ज्यादा बनता है तो नहीं बनेगा, दांत जैसी समस्या नहीं होगी। किसी व्यक्ति को शरीर के अंदर पूरे शरीर में खुजलाहट रहती है, ड्राई स्किन रहती है, त्वचा पूरी तरह से खिली हुई नहीं लगती, उनको हमेशा नीम के पानी से ही नहाना है। नीम के पानी में काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी बीमारियों को तुरंत सही करता है। अगर आप उसका इस्तेमाल 4 से 5 दिन भी रोज कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में पूरे शरीर के अंदर खुजलाहट तो सही हुई है, साथ में ही आपके पूरे शरीर के अंदर एक ग्लो आने लगा है। अगर आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का त्वचा संबंधी रोग था तो वह भी धीरे धीरे करके सही हो गया है। अगर आपको त्वचा संबंधी बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, खुजलाहट रहती है, तो आपको नीम के पानी को ही चुनना चाहिए, सर्दी के मौसम में सबसे बेस्ट होता है। अगर आपके पास नीम की पत्तियां नहीं होती है तो आप क्या करें, कुछ समय नीम की पत्तियों को लाकर रख सकते हैं, उन्हें सूखा करके भी आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से नीम के पानी से ही आपको नहाना चाहिए सर्दियों के मौसम में। शरीर के अंदर अगर कोई सा संक्रमण होता है और अगर हम उसे जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो अंदरूनी उपाय पर गौर करना चाहिए। अगर सर्दी के मौसम में ये संक्रमण बढ़ रहा है, खून की कमी की वजह से हो सकता है, पेट साफ न होने के कारण हो सकता है, या फिर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है, तो उसे वो बिल्कुल सही करने के लिए आप चुकंदर का जूस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। अंदरूनी उपाय यही है कि आपके शरीर के अंदर खून के अंदर कोई संक्रमण हुआ होगा तो शरीर में खुजलाहट होती है, स्किन पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। अगर आप चुकंदर का जूस नियमित रूप से 15 दिन भी ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में ड्राई स्किन नहीं है, खुजली जैसी समस्या नहीं है और दूसरे त्वचा संबंधी रोग भी ठीक हो गए हैं। साथ में ही खून की कमी होगी तो सही होगा, हीमोग्लोबिन बनना भी बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके चेहरे पर भी काफी अच्छा ग्लो आ जाएगा।
तीसरा उपाय भी बहुत आसान है। बहुत सारे लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई बार वो सबको सूट नहीं करते। खुद ही अपनी क्रीम खुद बना सकते हैं सर्दियों के मौसम में। आपको कुछ नहीं करना है, ताजा एलोवेरा जेल होता है उसे आप थोड़ा निकाल लीजिए, जितना आपको रोज चाहिए, या फिर एक दो दिन की क्रीम आप इस तरह से बना करके भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसी के अंदर आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर देना है और ये आपकी क्रीम तैयार हो जाती है। सर्दियों के मौसम में इसे आप पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, आपके शरीर में खुजली होती है तो लगा सकते हैं, शरीर में दाने बन गए हैं तो लगा सकते हैं, आपके शरीर पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं तो इस क्रीम को आप लगा सकते हैं। यानी कि इस क्रीम को बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं 5 से 7 दिन तक, या फिर आप रोज की रोज भी बना सकते हैं। मैं रोज क्या करती हूँ, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपने हाथ पर लेती हूँ और एलोवेरा जेल थोड़ा सा निकाल कर उसमें मिक्स करके और उसे ही अपने बॉडी पर लगाती हूँ। इससे आपकी बॉडी को अच्छा मॉइस्चराइजर मिलता है और कोई सा भी प्रोडक्ट आपको लगाने की जरूरत फिर नहीं होती। ये नेचुरल तरीका है, लेकिन आजकल सभी लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांड के चूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको और बहुत सारी एलर्जी हो जाती है, स्किन खराब होने लगती है। और जैसे बाजार के अंदर नए नए प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, आप उनका इस्तेमाल अगर करते जाते हैं तो शरीर में और बहुत सारे त्वचा संबंधी रोग होते हैं। हमेशा नेचुरल तरीके को अपनाइए। जैसे कि अगर आपका शरीर 35 की उम्र का है, 40 की उम्र का है, तो ढकने के लिए अच्छी क्रीम का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अंदर से अगर आप फिट होएंगे तो आपको कोई सी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप योग करिए, प्राणायाम करिए, आपको त्वचा संबंधी रोग नहीं होंगे, आपका शरीर वैसे ही ग्लो करेगा, कोई सी भी क्रीम फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को त्वचा रूखी होती है या फिर आपकी स्किन फटती ज्यादा है, तो रोजाना ही हल्का सा इस तरह से मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी को आप कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ये मेरा तरीका है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप अपना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा खुजलाहट रहती है, दाने निकलते हैं, धब्बे बन जाते हैं, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं और 100% नेचुरल है, आपके शरीर पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और 0% बजट में आपका काम होगा। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।